Intraday trading tips for 25th November 2019. Best trading stocks for Monday. Intraday stocks for tomorrow. नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड की इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आ चुका हूं दोस्तों वापस और एक आपके लिए वीडियो लेकर के कि कल कौन से स्टॉक्स के ऊपर में अपनी नजर बना करके रखें। उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे बताऊंगा। उसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को आसान किस तरीके से बना ये भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में नए हो दोस्तों, तो आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, ताकि ऐसे जितने भी नए अपडेट्स मैं दूं वो आपको इमीडिएटली मिले। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में पुराने हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि लाइक करना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, मैं जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो बदले में आपसे लाइक की अपेक्षा है और कोई नहीं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, स्टॉक्स के ऊपर में जाने से पहले, बाकी सब चीजों के बारे में बातचीत करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि निफ्टी का हमारा व्यू क्या है कल के लिए। अगर आप निफ्टी के चार्ट जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो, निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी एग्जैक्टली रिटर्न किया है अपने डेली टाइम फ्रेम के क्रूशल रेजिस्टेंस से। और दूसरा जो काम उसने किया है कि जो उसकी जो अप ट्रेंड लाइन है राइट, उसके नीचे में क्लोज दिया है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि कल एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले प्रॉफिट बुकिंग के कारण। अगर आप निफ्टी में बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो जब तक निफ्टी स्पॉट 12,100 के ऊपर में नहीं निकल जाता, तब तक फ्रेश बाइंग निफ्टी में ना करें आप। और अगर आप यहां से शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए और छोटा सा करेक्शन आ जरूर सकता है, क्योंकि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है 12,100 का। अगर ये कभी झटके से अगर कभी क्रॉस अगर हो जाता है तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, आप उसके ऊपर में भी फोकस कर सकते हो। सो अगर बाइंग फ्रेश बाइंग फोकस करनी है तो 12,100 के ऊपर में ही करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले स्टॉक की जो की है दोस्तों। अगर आप हैवेल्स के चार्ट को अगर आप ढंग से देखो तो हैवेल्स ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में अपनी अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे में क्लोजिंग दी थी पिछले सेशन में। और कल के सेशन में, यानी कि जो हमारा जो आखिरी सेशन हुआ, वो सेशन में एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी इसने दे दिया है। तो फॉलो थ्रू का एक बहुत ही ज्यादा अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। अगर मान के चलिए फॉलो थ्रू किसी क्रूशल लेवल के बाद में अगर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोटेंशियल होता है कि वो और कुछ समय तक उस पर्टिकुलर ट्रेंड को, उस पर्टिकुलर पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करता है राइट। तो हैवेल्स में अगर आप देख सकते हो, जैसे कि उसकी अप ट्रेंडिंग लाइन को बहुत ही ज्यादा तगड़े वॉल्यूम के साथ में क्लोजिंग दिया है, उसके साथ साथ में फॉलो थ्रू दिया। और फॉलो थ्रू देने के बाद में और के जो क्रूशियल सपोर्ट है 636.22 का, वो अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास में आकर के रुका हुआ है राइट। सो इसीलिए हैवेल्स आ जाता है हमारी सेलिंग के रडार पर। हैवेल्स को हम लोग सेल करेंगे 636 के नीचे में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 638.50 का और जिसका टारगेट रहेगा 631 का। दोस्तों ये जो लेवल आपको दी गई हैवेल्स में, इस तरीके की जो लेवल्स है, ये हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं दोस्तों। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप क्या है? प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप एक हमारी ओर से ऐसी फ्री सर्विस है जहां पर में हम आपको कुछ स्टॉक्स देते हैं राइट, जो कि स्टॉक्स ऑन रडार होता है। वहां पर में हम लोगों ने आपको ऑलरेडी में एक स्ट्रैटेजी समझा करके रखी हुई है, उसका पीडीएफ आप लोगों को वहां पर में मिलता है। और वहां पर मैं वो सारे के सारे स्टॉक्स के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज ट्रेड्स क्रूड के और कुछ स्पेशलाइज ट्रेड बैंक निफ्टी के प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ऐसे स्टॉक्स देते हैं जो कि अगले दिन यानी कि दूसरे ट्रेडिंग सेशन के दिन काफी तगड़ी मूवमेंट करने की संभावना रखते हैं। काफी हाई प्रोबेबल वो स्टॉक्स होते हैं जिनसे कि हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स 5,000 से लेकर के 7,000 रुपए तक डेली बेसिस के ऊपर में अर्न कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे स्टॉक की। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है दोस्तों आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक की अगर आप डेली चार्ट को अगर आप ढंग से देखेंगे तो एक क्रूशियल
रेजिस्टेंस को ब्रेक कर में ऊपर में क्लोजिंग दे चुका है आरबीएल बैंक ऑलरेडी में, राइट। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, अब हमें लगता है कि यहाँ से आगे अगर आरबीएल बैंक 363 को क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, इसलिए आरबीएल बैंक रहेगा हमारे बाइंग के रेडार पर, जिसका लेवल रहेगा 363 के ऊपर में बाय, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 361 का और जिसका टारगेट रहेगा 367 का। आरबीएल बैंक के ऊपर में अपनी नजर बना करके रखिएगा, जैसे ये 363 के ऊपर में निकलेगा, इसमें बाइंग प्रेशर वैसे कल देखा गया है, जैसे ही 363 के ऊपर में निकलेगा हमें छोटी सी बाइंग वहां पर में नजर आती है। आपको ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग दे रहे हैं, ये सभी के सभी स्टॉक्स में अगर आपको मान के चले, जितने भी हम लोग जो यूट्यूब पर दे रहे हैं, फिर भले चाहे वो टेलीग्राम पर दे रहे हैं या फिर जो हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए तो खैर एक कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर मान के चलिए आप हमारे कोई भी स्टॉक को अगर आप कभी ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कभी 5 स्टॉक दिए हैं तो 5 में से हो सकता है 1 से 2 स्टॉक कभी कभार एक्टिवेट ना हो सकता है, कभी कभार कोई स्टॉक्स में कोई स्टॉक आप मार्केट शुरू होने के पहले अपने लेवल को क्रॉस कर चुका हो। हमारे यूजुअली स्टॉक्स, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं, अपने लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट, अगर मान के चलिए यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हो, आपको एक अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इन सारे के सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओ। लेकिन अगर ये सारे के सारे स्टॉक्स में अगर आपको कभी ट्रेड करना है तो आपको क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको छोटी 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 क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो कम से कम एकदम सही है। लेकिन जो लोग अपने काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोगों को बेनिफिट एक्चुअल में लेना है, वो लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप ये सारे के सारे स्टॉक्स वैसे कैश के लेवल के हैं, अगर आप इनको फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो सारे के सारे स्टॉक्स में फ्यूचर्स में ट्रेड करना आप लोगों को पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको काफी तगड़ा ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप सारे के सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, जिसमें से अगर मान के चलिए 1-2 में अगर कभी स्टॉप लॉस भी अगर कभी ट्रिगर हो जाता है तो बाकी जगह पर आप टारगेट वाले ट्रेड पकड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्रोकर को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपका जो कोई भी अभी एक्सपायर्ड ब्रोकर है वहां पर में वो इतना मार्जिन अलाउ नहीं करेगा, और इसीलिए आप लोगों के सामने पेश है एक ऐसा ऑप्शन जो कि है aliceblueonline.com। अगर आपको aliceblueonline.com के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आए, aliceblue अकाउंट ओपनिंग बाय क्लिकिंग वीडियो लिंक के ऊपर में क्लिक करें। aliceblue में अगर आप कभी अपना अकाउंट खोलते हैं दोस्तों, aliceblue के बारे में दो ही बातें मैं बताना चाहूंगा, ये हाईएस्ट लेवरेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, राइट। यहाँ पर मैं निफ्टी का एक लॉट आपको ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में 3000 रुपए में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का एक लॉट आपको 2000 में मिल जाएगा, क्रूड का एक लॉट आपको ब्रैकेट ऑर्डर में 1000 रुपए में मिल जाएगा, राइट। और अगर आप फ्यूचर की कोई भी स्क्रिप्ट में अगर आप काम करना चाहते हो तो 3000 रुपए से 5000 रुपए के बीच बीच में आप कोई भी फ्यूचर का लॉट को ट्रेड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर मैं जितनी हम लोग 5 से 6 स्क्रिप्ट दे रहे हैं उनमें अगर आपको कभी ट्रेड करना है, आपके नॉमिनल अकाउंट में कोई भी अगर आपका दूसरी जगह पर अगर आपका अकाउंट है, आपको 15 से 20 हजार रुपए लगेंगे ब्रैकेट ऑर्डर में। यहाँ पर मैं 20 हजार रुपए में आप पांचों के पांचों स्क्रिप्ट ट्रेड कर सकते हो। हमारा जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है उज्जीवन। उज्जीवन को अगर आप ढंग से देखेंगे चार्ट के ऊपर में तो स्टॉक ऑलरेडी पिछले 3 दिन से एक अप ट्रेंड में है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर में। और कल जो इसने किया है उज्जीवन ने, कल एक अपने क्रूशल और अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग ये ऑलरेडी में दे चुका है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग पीरियड में चला जाता है, जब भी कोई स्टॉक अपने क्रूशल रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग दे जाता है, वहां से ऊपर में और बढ़ने की उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए उज्जीवन हम लोगों को लगता है 306 के ऊपर में, 306 के ऊपर में अगर कल निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की ओर दिखा सकता है, हम 310 315 तक जा सकता है। उज्जीवन में हमारा ट्रेड बन करके आएगा बाई अबव 306, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 304 और जिसका टारगेट हम लोग रखेंगे 310। हमारा जो चौथा स्टॉक है दोस्तों वो है यूपीएल। यूपीएल को चार्ट वगैरह बैंक से अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपने एक अप ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पर मैं दिखने लगी है, क्योंकि वो दूसरे टाइम फ्रेम पर ले गया, आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ, ये काफी क्रूशियल अप ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक कर ऑलरेडी में नीचे में यूपीएल सस्टेन कर चुका है, क्लोज कर चुका है, एक पूरा का पूरा दिन सस्टेन कर चुका है। अब अगर यूपीएल इस लेवल को अगर कभी नीचे तोड़ता है तो यहाँ से और एक डाउनफॉल देखने की
संभावना है यूपीएल में, इसलिए यूपीएल हमारे रेडार में आ जाता है सेलिंग पे। यूपीएल को हम लोग सेल करेंगे 530 के नीचे में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 533 का, जिसका टारगेट रहेगा 524। हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है वोल्टास। वोल्टास को अगर आप देखोगे चैनल को ब्रेक कर करके नीचे में ऑलरेडी में चल रहा है, राइट। वोल्टास काफी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, अभी तक ये एक पैटर्न में चल रहा था, अपने चैनल के अंदर में चल रहा था, अब एक अपने क्रूशल सपोर्ट को ब्रेक कर में नीचे में क्लोजिंग दे दिया है, राइट। अब अगर मान के चलिए वोल्टास यहाँ से और ये नीचे के लेवल अगर कभी क्रॉस करता है, जो कि है उसकी 689 की, तो ये 680 से 675 तक के लेवल नीचे में दिखा सकता है। वोल्टास को हम लोग सेल करेंगे 689 के नीचे में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 691.50 का, जिसका टारगेट रहेगा 684 का। ये तो थे दोस्तों हमारे सारे के सारे इंट्राडे लेवल। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताना रहेगी कि जितने भी लोग हमारे जरिए लाइव में अकाउंट ओपन करते हैं, उनको हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने के बाद में उन लोगों को कुछ वेबिनार्स ऑफर में दिए जाते हैं, जहाँ पर में आप अपने एग्जीक्यूशन स्किल्स को परफेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर में आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर में डिस्कशन हमारे साथ में कर सकते हो, और जहाँ पर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स, हाई प्रोबेबल स्टॉक्स को पा सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।